स्ट्रेंथ क्या होता है पता आप लोगों को? बड़े मान लीजिए यहाँ पे क्या साउथ पोल है, यहाँ पे क्या नॉर्थ पोल। बड़े साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। ये किस स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा है उसी क्या बोलेंगे इस पोल की स्ट्रेंथ। बड़े यहाँ पे क्या है नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को। तो कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसकी क्या होगी पोल स्ट्रेंथ, जिसको QM से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। बड़े यहाँ पे क्या है साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, बीच की डिस्टेंस बड़ी लेनी है छोटी लेनी है? बहुत छोटी। एनसीईआरटी के द्वारा कितनी ली गई है? 12 या 2a ली गई है। रियल में वास्तविकता में होती क्या है? 10 की पावर माइनस में होती है। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बड़े मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है कि पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ से, यह 2l होती है। बतला दिया था क्या बेटा? पोल स्ट्रेंथ भी तुम बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी था, और पहला चैप्टर का और आपका रहा ये पांचवा चैप्टर, दोनों में डिफरेंशिएट करे तो जो आपको आता है। इलेक्ट्रिक फील ऑन द एक्सियल लाइन आपको आते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील ऑन द एक्सियल लाइन बता दी गई थी। जो इलेक्ट्रिक फील की बात होती है वैसा ही फॉर्मूला होता है, बस टर्म्स चेंज हो जाती है। बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील पढ़ा दिया, वहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आता था, बस यहाँ पे क्या बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल था इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला आपको पता है टॉर्क का क्या था? MB साइन थीटा। और पहले चैप्टर में क्या होता है? PE साइन थीटा। तो ये डिफरेंशिएट कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप एक काम करिएगा सारे बच्चे, जो भी आपकी कॉपी है इसके फ्रंट पेज पर मेरे को सबसे सिलेबस चाहिए, सिलेबस प्रिंटेड करने को तो मैं प्रिंट करके दे सकता हूँ, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 22-23 का देख रहे हैं ना? क्या बात कर रहे हो, ढंग से सुनो, cbse.nic.in पे जाओ, सिलेबस तो है भैया, प्यार से ढूंढना पड़ता है, तरीके से ढूंढना पड़ता है। वो सब अभी नहीं देखा, अभी सिर्फ इतना देखना है सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो चीज़ पता है क्या? वो सिलेबस है। चाहे आप कोई भी बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्जाम दे लो, सबसे पहला काम किसी भी सुनोगे वो एक ही चीज़ कहेगा सिलेबस क्या है। हर साल कुछ चीज़ें हटती हैं और कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, जिससे दिक्कत क्या होती है? बुक्स तो वही है, बुक्स थोड़ी ना बनती है बार बार। अब मान लो आप SLRO सॉल्व कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब SLRO में पाँचवा चैप्टर पढ़ने जाओगे तो उसमें वो टॉपिक भी होंगे जो लास्ट ईयर थे, जो इस साल नहीं है, और उसमें वो भी होंगे जो बहुत पहले थे, जो कि अब नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पता लगेगा? जब कोई इंसान सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो कहेगा ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, उसे तो पांचवा चैप्टर दिखेगा सिर्फ। तो अगर सिलेबस तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये होता है लिमिटेड स्मार्ट स्टडी। अब लास्ट ईयर क्या है? अर्थ एक मैग्नेट है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें थी लास्ट ईयर, पर इस साल नहीं है, हटा दिया टॉपिक। लास्ट ईयर डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, ये नहीं थे तो इस साल है, और उससे एक दो साल पहले देखें दोनों हुआ करते थे। तो बुक्स में आप कहाँ से पता लगेगा? सिलेबस से। तो पहला काम ये है, अपनी कॉपी के पहले पेज में आप क्या लगाओगे? सिलेबस, नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको पता रहे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और खासकर पांचवें चैप्टर में। क्लियर? अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट क्लास से, वो इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब नहीं है इसे दरकिनार कर दो, इसके आने के 2-3% चांस है, परंतु पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो नहीं आएगा, पर लिख के ले लो क्वेश्चन उसमें से ही आएगा जो नेक्स्ट क्लास से टॉपिक स्टार्ट होगा। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारे बारे में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बहरहाल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी होते हैं, जो कि सिलेबस में डिलीटेड है। अब सबसे बड़ी गलती सिस्टम की, जब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहे तुम फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे भैया? पढ़ाना है तो दोनों में पढ़ाओ ताकि बच्चे का टॉपिक स्ट्रांग हो। केमिस्ट्री में हटा रहे हो बोल रहे फिजिक्स में पढ़ लो, फिजिक्स में जाओ, केमिस्ट्री में से पी ब्लॉक हटा दिया बुढ़ों को ने, मतलब और एंट्रेंस बोल रहे सब कुछ आएगा, मजाक चल रहा है। अर्थ एक मैग्नेट थी, कितना अच्छा टॉपिक था अर्थ एज ए मैग्नेट, वहाँ पढ़ते थे समुद्र में सिर्फ जा रहे तो इतने डिग्री में मुड़ेगा, कितना अच्छा मजा होता है। अरे पढ़ो डोमेन रेंज ये सब पढ़ोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री थोड़ा पढ़नी है। अभी तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? ये तो आता है तुम्हें, ये तो पता है तुम्हें, पेड़ अनपेड है, पेड़ है बट अभी यहाँ ऐसे आ जाए तो आपको पता है क्या है? तो नहीं, ये बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को, अभी नहीं केमिस्ट्री ऐसी है फिजिक्स ऐसी थोड़ा है। बच्चे का दिल उठ जाता है, क्यों? जब वो फिजिक्स की क्लास में ऐसी चीज़ें पढ़ता है ना तो उसका दिल उठ जाता है। हाँ, फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चीज़ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल देख लेंगे, ऐसा नहीं फिजिक्स में नहीं होता, फिजिक्स में भी होता है, ठीक है, परंतु अभी 12th की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ना बोल भैया। तो बेटा ये फील्ड ने लास्ट क्लास में हमने टॉर्क देख लिया था, बेटा एक्सियल पे हमने देख ली थी मैग्नेटिक फील्ड, और इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड देख ली थी। तो पहले एक बार लास्ट क्लास देख लेते, लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था ऊपर देखो बेटा। बेटा क्या है लास्ट क्लास? बेटा लास्ट क्लास में सबसे पहले हम फॉर्मूले की सीधी बात करते हैं। बेटा बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, कौन सा डाइपोल? बेटा इन द
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेवियर हमने देखा था, बट टॉर्क इज इक्वल टू आया था रिजल्ट एम बी साइन थीटा। सिर्फ फॉर्मूला को देखो, लिखना नहीं है, ये वाला फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने। बट इसके अलावा आपने नेक्स्ट टॉपिक देखा था बिहेवियर, क्या देखा था बिहेवियर को मारे बोले सीधे लिखो। बट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखो, मैग्नेटिक फील्ड बट ऑन द एक्सियल लाइन, कौन सी लाइन, बट बी इज इक्वल टू मी म्यू नॉट बाई फोर पाई बट टू एम डिवाइड बाई आर क्यूब। ये भी वेक्टर और ये भी क्या है वेक्टर, बट नजर ऊपर सिर्फ। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया था। बट तीसरा जो देखा था इंपॉर्टेंट, वही तीसरा ये था बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये भी देख ली थी आप लोगों ने। बट ये कितनी आई थी, बी इज इक्वल टू मे म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर क्यूब आया था वैक्टर, और ये भी क्या है वैक्टर। बहरहाल ये चैप्टर पांचवें की बात है, चैप्टर पहले में ये सारी चीजें हमने ड्राइव करके देखी हुई है। अब जब सिलेबस ध्यान से देखोगे ना, तो सिलेबस में साफ साफ कहा गया है इनकी पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई का सिलेबस कह रहा है, क्लियर। उन्होंने कहा सिर्फ डायग्राम का बेसिक आइडिया ले लो, फॉर्मूले का बेसिक आइडिया ले लो, ऊपर ऊपर जान लो होता क्या है। अब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते भाई, रीजन क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा भैया आपने चैप्टर वन में। अब जब चैप्टर वन में पढ़ रखी है कोई चीज तो क्यों पूछेंगे चैप्टर पांचवें में, समझ रहे हो क्या। तो पहला तो ये हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं देते हूँ कि जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है वो क्यों दे क्वेश्चन। अब जो बच्चा यहाँ से ढंग से पढ़ के आएगा उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वर्ड ही तो चेंज करने हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल कर देगा, जहाँ पी है यहाँ पे वहाँ एम कर देगा, सब कुछ सेम। तो उसका मतलब टाइम बच रहा है ना, अगर क्वेश्चन आए मान लो यहाँ से डेरिवेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, और यहाँ से भी क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, वो तो मौज होगी उसकी, तो वो तो क्या कॉपी करनी है, शब्द चेंज करने, पेपर में पता लगेगा पीछे से पेज पलट के कर रहा होगा, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। अब इसका मतलब नहीं आ गया तो फिर कहोगे सर केस कर देंगे आप पे, नहीं, फिर यहाँ से नहीं आएगा। पर सीबीएसई ने साफ साफ कहा है इनकी डेरिवेशन ठीक है ना करो इट्स ओके, परंतु बेसिक आइडिया तो ले लो, और वो बेसिक आइडिया दे दिए गए। तो अभी एक लास्ट क्लास का नोट डालें जिसमें सारे फॉर्मूले नोट कर लें, ठीक है, अभी फटाफट फास्ट। अच्छा ये बताएं, एक और लिख लेना, इसका यही देख लूँ, बड़े चैप्टर वन का लिखना है, ठीक है। बड़े चैप्टर वन में आपने देखा होगा एक बड़ा पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आप लोगों ने डेरिवेशन देखी होगी पूरी, बड़े ऊपर देखिए सारे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन सा डाइपोल बेटा, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन देखी थी, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखा, कौन सा डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी ड्राइव कराइए। बड़े पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे, आंसर आया था माइनस पी ब्रैकेट में कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, या फिर और बेटा माइनस कॉमन ले लो तो यू इज इक्वल टू प्लस पी, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और बेटा जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का प्लस का, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये रिजल्ट आया था आपका चैप्टर 1 में, हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी जीवन में पोटेंशियल एनर्जी की बात है तो पहले क्या निकालते हो, वर्क डन, छोटा वर्क डन बड़ा वर्क डन, उसको क्या कर दोगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे W आ जाएगा, और W ही क्या है एनर्जी। तो ये पूरी ड्राइव करा रखी है, परंतु यहाँ पे भी करनी है। तो अभी तो एक नोट नंबर पहला और नोट नंबर दूसरा डाल के ऐसे लिखो, ये नोट नंबर क्या है सेकंड है, और ये नोट नंबर क्या है पहला है, तो तीन सारे फॉर्म है और फ्री है फास्ट। बड़े लास्ट क्लास का नोट भी हो गया जो पढ़ाया था, बड़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको पता है, पोलिस स्ट्रेंथ क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है। बड़े याली डेरिवेशन पहले चैप्टर की पांचवें की है, पहले की, अभी से पांचवें भी करना है, किसमें करना है देखो, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पी है तो क्या रख दो एम, वहाँ ई है तो क्या रख दो बी, हो गया आंसर, पर हम पूरा ड्राइव करेंगे, ठीक है, जानबूझ के आओ। बड़े हेडिंग डालो टॉपिक की फास्ट, बड़े पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़े फील्ड ऊपर देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़े यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, क्लियर। बड़े तो बिल्कुल बेसिक है, जैसे आपको चैप्टर वन में कराया था वैसे ही क्या है पांचवें में। बड़े ऊपर लिख भी लेना, याद रखना ये किसके लिए है, चैप्टर पांचवें के लिए। बहरहाल सीबीएसई ने तो बोला है सिर्फ फॉर्मूला बता दो बात खत्म, परंतु हम पूरा कर लेते हैं। ये बताओ मैं निकालने क्या पोटेंशियल एनर्जी, बड़े कभी भी जीवन में फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो सबसे पहले क्या निकालो, छोटा वर्क डन, और छोटा वर्क डन निकाल के उसको क्या कर दो इंटीग्रेट, और जो डब्ल्यू है वही क्या है एनर्जी, क्योंकि वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ा था। तो बताएं वी नो
बताओ मैग्नेटिक डायपोल की बात हो रही है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो टॉर्क आता है, क्या आता है टॉर्क, बड़े एम बी साइन थीटा आता है। बहरहाल हमें निकालने क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले छोटा सा क्या निकालो वर्क डन, तो यहाँ लिखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बताओ बड़ा वर्क डन है छोटा वर्क डन है, तो डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स क्या है टॉर्क, फोर्स ही तो है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है फील लो, ये मान लो डाइपोल है और डाइपोल को उठा के कहाँ रख दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये रख दिया कुछ एंगल पे रखा होगा, और मान लो थीटा वन है थीटा टू कुछ भी हमें नहीं पता कितने डिग्री का है। अभी जब रोटेट करेगा तो कुछ एंगल से एंगल चेंज होगा, तो यहाँ क्या है थीटा में चेंज आया ही नहीं आया, तो चेंज किस में आ रहे हैं थीटा में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है वर्क डन ही तो है, तो छोटा सा चेंज छोटा सा वर्क डन। अरे नहीं आया भैया, बताओ टॉर्क क्या है, ये रहा, बताओ बेटा कितना है एम बी साइन थीटा, और ये क्या है डी थीटा इज इक्वल टू क्या है डी डब्ल्यू। बेटा ये फील्ड मान लो ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इसमें क्या रखा है डाइपोल, कुछ एंगल होगा थीटा वन, फिर रोटेट कर रहा है थीटा टू, भैया ऐसे से यूं हो गया, हमें नहीं पता ना कहाँ से कहाँ है, तो ऐसी बात हो रही है फील लो। बेटा आगे गए, बताओ यहाँ से डी डब्ल्यू आ गया, ये डी थीटा, अब क्या करोगे इंटीग्रेट, हमें तो पूरा वर्क डन निकालना है, ये तो छोटा सा है, तो क्या कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड। बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा और डी थीटा, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है चैप्टर वन जैसी, कोई भी चेंज नहीं है। बताओ यहाँ पे डी थीटा क्या बता रहा है, साइन थीटा को सॉल्व करना है इसको और इसको बाहर पटक देना है। अच्छा लिमिट्स भी होंगी कुछ, बताओ जैसे आपने मैग्नेटिक डाइपोल को उठा के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उस वक्त एंगल क्या था, नहीं बता, जब वो रोटेट कर रहा था तो एंगल क्या था आपको नहीं पता, तो शुरू में माना कितना है थीटा वन, बाद में कितना है थीटा टू। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू ये दोनों कहेंगे बाहर, तो बेटा एम बी इंटीग्रेशन यहाँ पे गए साइन थीटा और पीछे गए डी थीटा, थीटा वन और थीटा टू, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी बटे क्या है माइनस कॉस थीटा, ऊपर गए थीटा टू, ये गए थीटा वन, ये माइनस बाहर ले लें बेटा माइनस एम बी, अंदर गए कॉस थीटा, ऊपर गए टू, यहाँ गए वन, बटे सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, फॉर्मूला तो आता है बेटा सारी अपर लिमिट, बेटा ये थीटा टू यहाँ पुट होगा, बताओ बेटा क्या आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा टू, बीच में क्या है माइनस, फिर ये यहाँ पुट होगा कॉस थीटा वन, ये आया क्या डब्ल्यू आया, तो पर निकालने क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये भी पता है जो डब्ल्यू होता है वही क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं यहाँ इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को, लपेटो से फास्ट इसके आगे करेंगे फास्ट, बिल्कुल ले सकते हैं भैया, बड़े इसके आगे लिख लेना बड़े जो वर्क डन आया है वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी जो डब्ल्यू है वही हमारा यू है हम कह सकते हैं, तो फील लीजिए इसके आगे क्या करेंगे, बड़े यहाँ लिख लेना वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो लिखे लोगे यहाँ ऑक्सफर्ड की इंग्लिश लिख लेना, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बताओ जो डब्ल्यू वो यू है इट मीन्स यू लिख देंगे उसकी जगह, बेटा यू इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम बी और क्या है कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, पर हमारे अंदर तो चुल्ल है, आओ बेटा माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस कॉमन फील लो, बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परंतु बेटा अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बता क्या होगा प्लस में एम बी, और जो माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस क्या हो माइनस का और जो माइनस का हो यानी कॉस थीटा वन माइनस आगे पीछे कर दो, और ये क्या है यू, यानी ये फॉर्मूला भी सही होता है और ये फॉर्मूला भी सही होता है, दोनों सही होते हैं। क्लियर, यह है क्या पोटेंशियल एनर्जी मेरी तुम्हारी मैग्नेटिक डाइपोल की, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल की है, कहाँ पे इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, क्लियर, ये याद रखना, लपेटिए फास्ट से हलवा चीज जब भी और लपेट ले, आपके शब्द उच्च कोटि के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए उच्च कोटि के, कि यानी आपके शब्द उस प्रकार से होने चाहिए जब अपनी बात आप अपने घर वालों को समझा रहे हो तो आपके घर वाले आपकी बात सुन के कहीं मेरा लौंडा बड़ा हो गया है, यानी वो आपकी बात समझ जाएं, और वो समझदारी कैसे लानी है वो मैंने एक दिन बताई थी, जो भी आपकी उम्र है उससे दुगने उम्र के इंसान की बातें करना स्टार्ट कर दो, यानी मुख से जो आपके शब्द निकल रहे हैं वो शब्द आपकी जो भी उम्र है उससे दुगनी एज के इंसान की उम्र जैसे शब्द निकलने चाहिए, अगर निकलेगी तुम्हारे घर वाले कहेंगे अरे भैया हमारा लौंडा तो सुधर गया,
आया तेरे को, गुड, बढ़िया आ गया, बड़ा फील है, ये डांस अच्छा कर रहा भाई, जो भी कहो, ये लगा डांसर है। अरे भैया बात तो बात है, पीछे गाना चल रहा है, नीचे कावड़ वाले जा रहे हैं, तो इतना अच्छा गाना चल रहा है। हाँ बड़े, इतना आया ही नहीं आया तुम लोगों को। बड़े टर्म होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बड़े लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट फास्ट, बड़े मीन मैग्नेटिक मूवमेंट। बड़े मैग्नेटिक मूवमेंट जो है करंट और एरिया के प्रोडक्ट को कहा गया है। ऊपर देखें बड़े, ऊपर देख लो, ऊपर ऊपर ऊपर, बड़े मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू मे आई है, क्या बोला है आई है, व्हाट इज ए एरिया वेक्टर, ऊपर देख लो पहले, ये क्या होता है एरिया वेक्टर। बहरहाल वास्तविकता में इसका मतलब क्या है, एरिया एनक्लोज, क्या बोला, बाय द लूप, एरिया एनक्लोज बाय द लूप। बड़े क्या होता है करंट, क्या होता है करंट, बड़े करंट फ्लोइंग इन द लूप, करंट फ्लोइंग इन द लूप। अब फील लीजिए, मान लीजिए कोई कॉइल है, कोई लूप है, बड़े कोई भी शेप हो सकती है, बस क्लोज होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए क्लोज, बड़े किसी एरिया को कवर कर रही होगी और इसमें से क्या जा रहा है करंट, तो उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहा है मैग्नेटिक मूवमेंट। एक बात बड़े, मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, जो आपकी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, साउथ से नॉर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, साउथ से नॉर्थ। ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वैसे साउथ और नॉर्थ पोल आ जाते हैं, और जैसे साउथ और नॉर्थ पोल आएंगे वैसे वो मैग्नेटिक डायपोल भी आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। जैसे साउथ आया नॉर्थ आया मतलब मैग्नेटिक डायपोल आ गया, तो यहां पे साउथ और नॉर्थ दोनों आ रहे। ये क्यों आए, क्योंकि ये आया, और ये क्यों आया क्योंकि करंट था, और करंट क्यों आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, हाँ ना बोलो, यानी जिधर चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का उधर अपोजिट में करंट होता है। नहीं आया तुम्हें बेटा, वापस बोल दो, इंपॉर्टेंट कहानी है, करंट आया तो क्या आया मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो क्या आया साउथ और नॉर्थ पोल आया, और साउथ और नॉर्थ पोल आया मीन्स क्या आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। यानी जो कॉइल है इसका नाम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। अब सीखना क्या है यहाँ पे कि कोई भी शेप की कैसे भी कॉइल हो अगर उसमें से करंट जा रहा है तो यानी वो क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे कॉइल है, ये कॉइल है बेटा, जैसे करंट गया ऊपर मान लो साउथ आ गया मान लो, और नीचे क्या आ गया नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ दोनों पोल आ गए तो एक डाइपोल भी तो आ गया। यानी कॉइल कैसा बिहेव करेगी डाइपोल की तरह, और ये क्यों आ रहा है क्योंकि क्या जा रहा है करंट, और करंट जाने की वजह से हो गया क्या बेटा रट जानी चाहिए कहानी, क्या हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट आया, और इसकी वजह से क्या है दोनों पोल्स आए, और जैसे दोनों पोल्स आए वैसे क्या गया मैग्नेटिक डाइपोल। इतना आ गया क्या? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मान लिया साउथ और नॉर्थ दोनों आ गए क्लियर, पर साउथ किधर होगा ऊपर या नीचे ये तो हमें नहीं पता ना अभी। ये कॉइल है, कॉइल में करंट जा रहा है अच्छी बात है, अब साउथ ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कहाँ होगा ये बताता है राइट हैंड थंब रूल। कौन बताता है? हाँ इस लड़के ने यूं करके सही करा, राइट हैंड थंब रूल। यानी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल। आपको याद है एक फोर्थ जब चैप्टर पढ़ाया तो आपको मैंने बोला था कि पूरी फिजिक्स में सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करेंगे, सीधे हाथ का, सीधा हाथ डालो और काम निकालो फिजिक्स में, लपेटो हलवा चीज। बेटा इसके आगे एक फील लो, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर कैसे होती है वास्तविकता में ये एरिया वेक्टर होता है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इस एरिया वेक्टर के बारे में पहले भी बता रखा है आप लोगों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज लेकर आउटवर्ड होता है, क्लियर। बड़े इसके आगे ये करें, इस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है साउथ से नॉर्थ, पर हमें कैसे पता लगेगा, किस रूल से निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल से, पर किस प्रकार निकाली जाती है वो भी तो सीखना है। तो अगला टॉपिक लोगों डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगला लिखें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा वैसे एक बात बताएं आपको, ये सिलेबस से हट चुका है ये दोनों दोनों दोनों, परंतु उसके बाद भी पढ़ा रहे हैं। क्यों ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आने वाले जो टॉपिक है उसमें काम आएगा, छोटे छोटे पर पढ़ लो ये दोनों चीजें। बट एक और के डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, बट नीचे लिखें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, नीचे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट
इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल. यहां लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल. क्लियर? तो यानी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके आप मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता करोगे. क्लियर? कैसे? फिर लो बेटा, मान लीजिए कॉइल है यहां पे, बेटा एक कॉइल यहां पे, यहां पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लो बेटा. क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज. बेटा एक यहां ले लो, ये नीचे की तरफ ऐसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है. मान लिया, बताओ करंट जा रहा है नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है. क्लोज कॉइल में करंट जा रहा है, करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या होंगे, साउथ और नॉर्थ पोल भी आएंगे, यानी मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा. परंतु साउथ ऊपर होगा या नीचे होगा हमें नहीं पता, वो किससे पता लगेगा? राइट हैंड थंब रूल से. अब यही पता लगाना सीखना है. फिर लीजिए ऊपर देखिए, बेटा अपना सीधा हाथ खोल लो पहले, सारे बच्चे ऊपर देखना जैसे लगाऊं. बेटा करंट दिख रहे हैं? बेटा ऐसे करके मारो हाथ जैसे मैंने मारा, ध्यान रखना. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही हाथ क्यों मारा? क्योंकि करंट आगे आके ऐसे घूम रहा है, तो फिंगरों को मोड़ रहे हैं तो ऐसे मुड़ सकती हैं. अगर मान लीजिए आपने ऐसे हाथ मारा, मान लो तो ऐसे मार के देखो, ऐसे मारोगे तो उधर करंट मुड़ रहा है, तो हाथ तो इधर मुड़ रहा है, अंदर बंद इधर होगा तो गलत हो गया. तो आपको याद रखना है फिंगर को मोड़ रहे हैं पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट इधर जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, थंब नीचे ऊपर है, तो जिधर थंब होगा उधर ही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होने वाली है. तो बताओ नीचे होगी ऊपर होगी? नीचे होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन. क्लियर? अब बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऑलरेडी जानते हैं कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ. अच्छा तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर से साउथ, बुढ़े वक्त, हायर से लोअर. करंट हमेशा कहां फ्लो करता है? हायर से लोअर. और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, हमें पता है. अगर ये एरो नीचे आया है, पीछे साउथ रहा होगा, नीचे क्या होगा? नॉर्थ. अगर ये एरो नीचे आया है तो हम बोल सकते हैं पीछे क्या रहा होगा? साउथ. नीचे क्या होगा? नॉर्थ. तो किसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ. अच्छा इसमें देखो, आराम से देखो, बताओ करंट ऐसे करके जा रहे हैं? बेटा इधर देखते हैं, बताओ हाथ ऐसे मारे या ऐसे मारे? दो तरीके हैं. अगर ऐसे मारेंगे गलत, क्योंकि जब मोड़ोगे तो उधर मुड़ रहा है, करंट उधर जा रहा है नहीं, तो आपको हाथ ऐसे मारना पड़ेगा. जब ऐसे मोड़ोगे तो कहां रहे ऊपर? बेटा बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर या नीचे? अगर एरो ऊपर आया है तो पीछे क्या रहा होगा? साउथ. यहां क्या रहा होगा? नॉर्थ. और जैसे साउथ और नॉर्थ आए वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल आ गया. फील लो, ऐसे फील थोड़ा आता, थोड़ा और देखो. यहां देखिए ढक्कन दिख रहा है, आराम से देखना, ठीक है? एक डायग्राम में समझाएंगे बेटा. मान लीजिए ये कॉइल यहां पे, करंट ऐसे करके जा रहा है ना, करके आराम से चारों फेज में लगाएंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, आराम से घर में इसमें प्रैक्टिस कर लेना. बताओ करंट ऐसे करके घूम के आएगा तो ऐसे करके तो आएगा, बताओ इस वाले फेज में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा. तो इधर बताओ करंट इधर जा रहे है? बताओ हाथ को ऐसे रखोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हाथ को ऐसे रखा तो ऐसे मुड़ोगे, कॉइल तो उधर है तो आपको हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा. भैया करंट तो उधर जा रहा है ना, तो ऐसे मुड़ोगे ना, थंब नीचे ऊपर है, मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे. अब मान लो ये वाला फेज हो गया, अब ये वाला फेज देखते हैं, तो मैं इधर आ जाता हूँ. बताओ करंट तो ऐसे करके जा रहे, करंट ऐसे आ रहा है, तो हाथ को ऐसे रखूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसे रखा तो हाथ तो ऐसे मुड़े पड़े, वो तो गलत हो गया, तो आपको हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा. मोड़ो, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है? नीचे. तो यानी इधर से भी नीचे. बताओ ऐसे करके पीछे भी तो जाएगा, तो पीछे आएगा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा ना भैया, तो हाथ को ऐसे रखूंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा, तो कहाँ आएगा? नीचे. और जब घूम के इधर से जाके ऐसे आएगा, तो इधर तो ऐसे जा रहे, तो हाथ को ऐसे रखूंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे रखेंगे तो भी कहाँ आएगा? नीचे. तो हर बार नीचे आ रहा है. तो घर पर इसमें प्रैक्टिस कर लेना आप. क्लियर है क्या? ये ऑलरेडी सिखा रखा है. यानी जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट के एरो की डायरेक्शन आई तो समझ जाना पीछे क्या है, साउथ, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ. ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल. बेटा ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं मैग्नेटिक फ्लाइंस, वो बता देंगे. परंतु अभी डायरेक्शन की बात हो रही है. किसी बात हो रही है? डायरेक्शन. आ गया एक शब्द सुना है, एंगुलर मोमेंटम. 11th क्लास में रोटेशनल फिजिक्स में एल, एल इज इक्वल टू एम वी आर. क्या होता है? एम वी आर. उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है? पहले से लपेटो फास्ट. बेटा मेरा पढ़ा दूँ, आप लपेट ही रहते, आई नो, जो ना करा करें. कई बच्चे ना ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो हाथ को यूं मार रहे होते हैं और कहते हैं देखो सर हो ही नहीं रहा. या फिर कोई बच्चे ऐसे मारते हैं, देखो सर हो ही नहीं रहा, ये तो एरो अंदर आ रहा है. परपेंडिकुलर रखना. क्या रखना? बोर्ड के परपेंडिकुलर. क्लियर? अब देखो आराम से आएगा. परंतु मैंने बोला ना, आप लोग अगर बोर्ड पर लगाओगे तो गलत आएगा, इसलिए हमेशा कॉइल को ऐसे मान लो सामने, जैसे मैंने ढक्कन मारना था, ऐसे मान के लगाओ तो हमेशा सही आएगा.
मैं तो लगा दूंगा, मैं तो, मेरे को तो आता है, फिर लो यहाँ पे ऐसे लगा दो परपेंडिकुलर, यहाँ की बात आएगी तो यहाँ पे मैं ऐसे करके नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ऐसे करके बाहर की तरफ लूंगा, देखो मोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि मैं परपेंडिकुलर रख रहा हूँ। अगर मेरे को कोई पूछेगा यहाँ पे लगा के दिखाओ तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लगाऊंगा, फिर भी मेरा नीचे आएगा। मेरे को पूछेगा यहाँ पे लगाओ तो मैं ऐसे करके नहीं लगाऊंगा, मेरे को इधर जा रहा है तो मैं ऐसे करके लगा दूंगा। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे लग गया हूँ, तो हाथ को चलाना परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इसलिए बोर्ड की तरफ ध्यान मत दो, हमेशा कॉइल ऐसे मान लो, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इस साल नहीं आएगा। परंतु क्यों पढ़ रहे, सिर्फ यहां से सीखना क्या है, ये सीखना है अगर कॉइल में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल आ गया, क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल, बात खत्म, इतना सा सीखना है, इतना तो आ गया होगा। बेटा नीचे एक काम कर ले, बताओ किस रूल से निकाले, राइट हैंड थंब रूल। तो मेरे को आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल लिख भी लो, ठीक है, लिखो बेटा राइट हैंड थंब रूल। बताओ हमने फिंगरों को घुमाया है क्या, और थंब जो है किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो लिखो, इफ वी टर्न्स द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, इफ वी टर्न्स द फिंगर, टर्न्स द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, इफ वी टर्न्स द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, इफ वी टर्न्स द फिंगर of the right hand in the direction of current in a loop then the extended thumb jo bhi aapka khichwa thumb hoga, then the extended thumb gives the direction of magnetic moment, then the extended thumb gives the direction of, yahan likh lo, gives the direction of magnetic moment associated with the loop, clear। तो हमने क्या बोला, ध्यान से सुने पहले एक बार, बड़े बोले if it turns the finger of the right hand in the direction of the current in a loop and then the आपका extended thumb gives the direction of the magnetic moment associated with the loop, ये बोला है। तो नहीं, जैसे आप अपने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाते हो तो जब कोई थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की, उससे आपको पता लग जाता है साउथ का है और नॉर्थ का है। आ गया हुआ, क्लियर, ये बेसिक था। बहरहाल एक टर्म होती है एंगुलर मोमेंटम, क्या होती है, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ी है, छोटी सी टर्म से कोई बड़ी बड़ी नहीं है, जब भी पता होना चाहिए। एलिजिकल टू एम वी आर, क्या होते हैं, एलिजिकल टू में एम वी आर, फिर लो बड़े एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते थे, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता था 11th क्लास में, चैप्टर 7th में रोटेशन फिजिक्स में। सोच मत बेटा होता था, न्यू हो रहा, ठीक है बेटा, ठीक है, जब रोटेशन फिजिक्स पढ़ते थे वहां आता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन में। बहरहाल बेटा एल इज इक्वल टू एम वी आर होता, अच्छी बात है, मैं सिर्फ एल की डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, क्यों, काम के नियम से सीख लो, क्योंकि जब आपने मैग्नेटिक मूवमेंट सीखा है तो एल भी सीख लिया करो, मेरा मानना ऐसा है। क्यों, फिर लीजिए मान लो यहाँ कॉइल है, बेटा करंट जा रहे हैं, अगर करंट जाएगा तो बता सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर या नीचे, बता सकते हो ना, बता बेटा ऐसे जा रहे हैं तो आप ऐसे मारोगे ना, गलत, आपको ऐसे मारना है, तो ऐसे करोगे तो नीचे ही आएगा, यानी एरो नीचे ऊपर है, नीचे, तो एम नीचे आ रहे हैं, यानी एम की अगर डायरेक्शन देख रहे हो तो आप करंट देखते हो, पर जब एल देखते हो तो आप इलेक्ट्रॉन देखते हो, क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट होता है, यानी जो भी एम की डायरेक्शन होगी एल की क्या होगी, अपोजिट, इसलिए बस और कोई काम का नहीं है, क्लियर है क्या, फिर लो अगर मान लीजिए यहां पे क्या है, ऐसे करके करंट उधर जा रहा है, इसी का केस लो, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, क्लियर, तो बता एल ऊपर होगा नीचे होगा, भैया ये नीचे है तो ऊपर ही होगा, अगर नहीं आ रहा तो भैया कैसे लगाओगे, ऐसे घूम के आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, बिल्कुल सेम, बताओ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, ऐसे तो घूम रहे हैं, तो ऐसे लगाओ, बताओ ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो एल का है ऊपर या नीचे, ऊपर, उसका उल्टा, उसका उल्टा, यानी जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन देख रहा है इसमें करंट देख रहा है, उसमें करंट ऐसे है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उल्टा है, तो समझ जाना जो एम वो उल्टा कर देना एल, तो इतना टाइम कौन लगाएगा, जो एम का होता है उसका उल्टा एल होता है, बात खत्म, जब भी बहरहाल पता होना चाहिए, तो ये डायग्राम बना लो काम आएगा, ठीक है, यहां पर होता क्या है, टर्न्स योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द
थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एल एंगुलर मोमेंटम. भाई अपने फिंगर को इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जैसे घुमाओगे तो थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा? एंगुलर मोमेंटम की. और यहां पे क्या है, अपनी फिंगरों को किसके डायरेक्शन में घुमा रहे हो? करंट की डायरेक्शन में. तो थंब किसकी बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट की. क्लियर? तो ये डायग्राम बना के नीचे लिख भी लेना, काम आ सकता है आपके, लपेट लीजिए. बढ़िया, लिख लेना, टर्न्स योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एल. और इसी के साथ में धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन करा दी जाएगी. वो डेरिवेशन क्या होगी कि जो बार मैग्नेट है वही सोलेनोइड है, और जो सोलेनोइड है वही बार मैग्नेट है. यानी सोलेनोइड की वजह से एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील आती है वही बार मैग्नेट की वजह से भी आती है. सेम बार मैग्नेट की वजह से कितनी आती है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे एक्सियल की बात करें तो 2m आएगा, डिवाइड बाय आर क्यूब. और यही आपकी सोलेनोइड की वजह से भी आएगी, ड्राइव करवाएंगे उसकी. तो एक टॉपिक होता है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड, जो हम बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में. तो धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों.